हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर्स। बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन मूवीज 2019 को लेकर। अगर आप लोग मूवीज लवर है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है F2। हाँ दोस्तों, फन एंड फ्रस्ट्रेशन 2। इस मूवी का बजट है 24 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 178 करोड़ रुपीज़। ये एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, ये तेलुगु स्टेट्स का फिल्म थी। नंबर 9 पर है असुरन। हाँ दोस्तों, ये तमिल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मूवी है 2019 का। इस मूवी का बजट है 55 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में था धनुष अन्ना। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है 150 करोड़ रुपीज़ और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। नंबर 8 पर है महारिषि। हाँ दोस्तों, ये तेलुगु स्टेट्स का मूवी है। इस मूवी का बजट है 100 करोड़ रुपीज़ और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 215 करोड़ रुपीज़। ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी है हमारा महेश बाबू सर का। नंबर 7 पर है पहलवान मूवी। इस मूवी का बजट है 75 करोड़ रुपीज़। ये कन्नाड़ा इंडस्ट्री का फिल्म है। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है लाइफ टाइम का 153 करोड़ रुपीज़। ये एक हिट मूवी है और इस मूवी का पब्लिक रिव्यू थिएटर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था। नंबर 6 पर है लूसीफर। हाँ दोस्तों, मलयालम इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी है लूसीफर। इस मूवी का बजट है 40 करोड़ रुपीज़। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 210 करोड़ रुपीज़। ये मूवी एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। नंबर 5 पर है पेटका। हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं पेटका सुपरस्टार रजनीकांत सर का फिल्म है। इस मूवी का बजट है 90 करोड़ रुपीज़। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 250 करोड़ रुपीज़। इस मूवी का ये मूवी भी एक ब्लॉकबस्टर मूवी है और ये सुपरस्टार रजनीकांत सर का मूवी है। नंबर 4 पर है उरी द सर्जरिकल स्ट्राइक। हाँ दोस्तों, ये जानते हैं बॉलीवुड का इस साल का डबल ब्लॉकबस्टर मूवी है। इस मूवी का बजट है 45 करोड़ रुपीज़। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 382 करोड़ रुपीज़। ये मूवी एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। नंबर 3 पर है बिगल। दोस्तों, आप लोग जानते हैं तमिल इंडस्ट्री का इस साल का सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी है बिगल। इस मूवी का बजट है 180 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है थलावती विजय सर। इस मूवी का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है 370 करोड़ रुपीज़, जो एक शानदार कलेक्शन है दोस्तों। ये मूवी ब्लॉकबस्टर है। नंबर 2 पर है विश्वासम। आप लोग जानते हैं इस साल का डबल ब्लॉकबस्टर तमिल मूवी है विश्वासम मूवी। इस मूवी का बजट है 80 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है अजीत कुमार सर और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 263 करोड़ रुपीज़। ये एक डबल ब्लॉकबस्टर मूवी है। नंबर 1 पर है ट्रिपल ब्लॉकबस्टर मूवी कैथी। हाँ दोस्तों, इस मूवी का बजट है 25 करोड़ रुपीज़। लीड रोल में है कार्ति सर। ये नंबर 1 इंडियन मूवीज़ है 2019 का। ये बहुत बढ़िया बात है कि कैथी सर ने नंबर 1 मूवी दिया है इस साल में। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 106 करोड़ रुपीज़ और ये ट्रिपल ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इन 10 मूवीज़ में कौन सा मूवी आप लोग को ज़्यादा पसंद आए, और भी कोई मूवी अगर आप लोग को पसंद आए, जैसे और भी कोई तमिल तेलुगु मूवी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट अपडेट में उस मूवी को डालेंगे। तो प्लीज़ वोट कीजिए आपका फेवरेट मूवी 2019 का। धन्यवाद।